हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर आ गई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा किड्स कलेक्शन जो कि काफ़ी टाइम बाद मैं लेकर आई हूँ। एंड इसमें मुझे देखने को मिला कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगा ली हैं एंड सो वन बाय वन इनको अनबॉक्स करते हैं। तो ये पूरी वीडियो किड्स से रिलेटेड होने वाली है और उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके कि मैंने क्या मंगाया, कैसे मंगाया है। सो मैं इस तरीके से अनबॉक्सिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ आपको ये बड़ा ही प्यारा सा येलो एंड वाइट का कॉम्बो जो कि पूरा प्रॉपर समर कलेक्शन होने वाला है। ये सब समर के लिए हैं। ये अप्रॉक्स आपके 6 1 ईयर, 1.5 साल, 2 ईयर्स इस तरीके के किड्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। सो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा ये है आउटफिट। ये वाला इसका लुक है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप देख सकते हो इसका जो शॉर्ट्स है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो इस तरीके से आप अपने किड्स के लिए प्यारे प्यारे से आउटफिट्स ले सकते हो, मीशो से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, हर जगह अवेलेबल है। सेकंड वाला जो पेयर है वो है एक टी शर्ट वाला लुक जो कि एक प्रॉपर प्रिंट वाली शर्ट है वाइट कलर में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये भी 1.5 2 साल के किड के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। सो इस तरीके से आप लोग जा सकते हो एंड इसका बॉटम भी देख सकते हो, इसका बॉटम भी कितना ज़्यादा प्यारा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी बिग है। सो ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। सो ये काफ़ी अच्छा मेरे को ये पूरा पेयर लगा। सो ये एक ही उसमें 2 आइटम्स थे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ दिस वन एंड इसमें हमारे पास आया है ये थोड़ा सा अच्छा सा कलर का एक क्या बोलेंगे इसको हम, ये एक बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है और ये शर्ट टाइप में है, कुछ टी शर्ट टाइप में और ये टी शर्ट आ गई और ये इसका बॉटम आ गया। बॉटम जो आया है वो इसका लाइनिंग में आया है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सिंपल सोबर है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन गो विद दिस। और इसके बाद आ जाता है हमारा ये वाला, ये एक डंगरी सेट है और ये बड़ा ही ज़्यादा सुंदर सा है। ये भी 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका कलर बहुत अच्छा है। इसके फैब्रिक की बात करें, इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हो और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यू कैन सी द फैब्रिक, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर ये सारे अवेलेबल हैं। सो आप लोग जा सकते हो और ले सकते हो। तो अब इस वाले को खोल के देखते हैं। आपको सारी चीज़ ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैं दिखा रही हूँ। इसमें आ जाता है ये वाली शर्ट, टी शर्ट, जिसमें इस तरीके के बटन्स लगे हुए हैं एंड इट्स ऑल्सो लुक गुड। और इसका भी जो साइज़ है ना वो भी सेम एज वेल, जो भी मैंने दिखाया है सभी वही हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल। तो आप लोग इस तरीके से जा सकते हो। सारी चीज़ें जो हैं वो मीशो पे अवेलेबल हैं, सब आपको मिल जाएगा। इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा सा मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है किड्स के क्लोथ्स में बताने के लिए, तो जितना जल्दी फिनिश अप हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये आ गया है एक येलो एंड ब्लैक में। ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर सा है। और ये जो साइज़ है ये भी साइज़ सेम और इसमें इस तरीके से टैडी बना हुआ है। तो ये भी फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसका जो शॉर्ट्स है वो भी अच्छा है, लेकिन इसका जो ऊपर का ये है ना, ये थोड़ा सा शायद किड्स के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो इसको मैं अवॉइड करूँगी बेसिकली, क्योंकि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ना वो ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। उसके बाद हम ये वाला देखेंगे। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और ये पूरा जिसको बोलते हैं ना कॉटन फैब्रिक, प्योर कॉटन फैब्रिक है होजरी वाला, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करता है समर के टाइम में बेसिकली। और ये है इसका टी शर्ट, इसके टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, कलर कॉम्बो बहुत अच्छा है। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये हमने काफ़ी ज़्यादा हमने देख लिए हैं अभी तक, शायद 7-8 देख लिए होंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दिस वन। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है गाइज, इसका जो कलर है ना वो काफ़ी अमेज्ड है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मुझे ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग टाइप लगा, तो आई लव इट। कलर कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो बॉटम है वो भी प्योर कॉटन में है और बड़ा ही बिल्कुल वो है ना सूट करने वाला। सो इसका बॉटम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसके साथ भी आप जा सकते हो। इसके साथ जो ना डबल वो आया है शॉर्ट,
तो इसके साथ डबल शॉट आया, तो वो इसके साथ भी आप लोग जा सकते हो, और इसके साथ ये वाला भी आया, सो इसके साथ दो आए हैं, सो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका जो दोनों के जो कपड़ा है उसमें थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है, तो ये जीन्स टाइप का लुक दे रहा है और ये प्योर कॉटन का लुक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, सो वीडियो आज की ज़्यादा लंबी नहीं रही, स्मॉल रही, लेकिन मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखा दी, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको क्लोथ्स उसमें दिखा दिए। सो तो जल्दी जल्दी में दिखाया ना, तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा काफ़ी कम दिखाए, लेकिन मैंने आपको कुछ भी नहीं तो 10-12 पेयर दिखा दिए हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो 10-12 पेयर दिखा दिए। सो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे गाइस, तो यू कैन गो एंड परचेज फ्रॉम मीशो, एंड ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह इस तरीके के क्लोथ्स अवेलेबल होते हैं। ऑफलाइन नहीं लेना है ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन नहीं लेना है ऑफलाइन ले लीजिए, सब लोग कैसे भी ले सकते हो। एंड आई लव द पैटर्न, सो इस तरीके से किड्स क्लोथ्स काफ़ी ज़्यादा सूटेबल और अच्छी क्वालिटी के ही पहनाने चाहिए। आपके घर में भी अगर कोई छोटा स्मॉल किड है तो उसको भी इसी तरीके की बेटर क्वालिटी के क्लोथ्स पहनाएं, कुछ भी एवी क्वालिटी के क्लोथ्स ना पहनाएं। सो यू कैन गो विद दिस। थैंक यू, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।